हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाढ़ में रेसिपी की बड़ी कार्यवाही, 1000 की रिश्वत लेते एलडीसी रोजगार कार्यालय में किया गिरफ्तार। थार नगरी बाड़मेर में एसबी की ओर से बड़ी कार्यवाही की गई। इसमें बेरोजगारी भत्ता दिलवाने के एवज में 1000 की रिश्वत लेते हुए रोजगार कार्यालय में कनिष्ठ सहायक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। राज्य सरकार ने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना शुरू की, लेकिन रोजगार कार्यालय में बेरोजगारी भत्ते के नाम पर रिश्वत दी जा रही है। इसका खुलासा बुधवार को एसीबी की कार्रवाई में हुआ, जिसमें बेरोजगार युवक ने बेरोजगारी भत्ता देने के लिए रोजगार कार्यालय में फॉर्म भरा तो वहां के कनिष्ठ सहायक ने 3000 की रिश्वत की मांग ली। इस बात की शिकायत युवक ने एसीबी में कर दी, जिसके बाद 1000 की रिश्वत लेते हुए कनिष्ठ सहायक को एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से पिछले कई दिनों से ताबड़तोड़ तरीके से भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में सरहदी बाड़मेर में बेरोजगारी भत्ता दिलवाने की एवज में 1000 की रिश्वत लेते हुए रोजगार कार्यालय के कनिष्ठ सहायक को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। बाड़मेर एएसबी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम निवास ने बताया कि एक दिन पहले परिवादी नेमा राम ने परिवाद पेश किया था कि मार्च 2021 में बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसके बाद रोजगार कार्यालय बाड़मेर में कनिष्ठ सहायक सुधीर वर्मा ने बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत कराने के एवज में 3000 रुपए रिश्वत की मांग की, जिस पर परिवादी ने 1000 रुपए तत्काल दे दिए थे। वहीं बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत होने के बाद बाकी के 2000 के लिए परिवादी को लगातार परेशान कर रहा था। उन्होंने बताया कि जिस परिवादी ने एएसबी में इसकी शिकायत की, उसका परिवाद आने के बाद उसका गोपनीय सत्यापन करवाने के बाद कार्रवाई को अंजाम देते हुए रोजगार कार्यालय बाड़मेर के कनिष्ठ सहायक सुधीर वर्मा को 1000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैक किया गया। यहां आगे की कार्रवाई की जा रही है। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकराराम मेघावल की रिपोर्ट।